हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सुमन की रसोई टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे रसमलाई, बिल्कुल मार्केट के जैसी सॉफ्ट और स्पॉन्जी, बहुत टेस्टी रसमलाई बनेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है 1 लीटर दूध, इसका नाम छेना बनाएंगे। तो पहले दूध में उबाल आने देंगे हम। तो देखिए दूध में उबाल आ गया है, तो थोड़ा हम गैस को मीडियम कर देंगे और इस तरह से दूध को थोड़ा चलाएंगे। और यहाँ हम ले लेंगे विनेगर, इसे सफ़ेद सिरका भी बोलते हैं, बड़ी 2 चम्मच हमने ले लिया है। अब दूध में हमें डालना है इसे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस भी ले सकते हो छेना बनाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और इस तरह से चलाएंगे, जितना हमें चाहिए उतना ही इसमें हम डालेंगे। तो देखिए दूध फटना हो गया है स्टार्ट। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। इसे हमें ना ठंडा नहीं करना है, गर्मा ही गर्म हम छानेंगे इसको। तो इधर हम ले लेंगे कॉटन का कपड़ा और इस तरह की कोई छन्नी वाला बर्तन ले लें। कॉटन के कपड़े पे हम दूध को डालेंगे, जो दूध हमने फाड़ा था ना वो डाल देना है इस पे। ये इतनी टेस्टी बनेगी अगर इस तरह से एक बार बनाओगे तो, मार्केट की लाना भूल जाओगे। रसमलाई इतनी टेस्टी बनती है ये जब हम घर पे बनाते हैं तो। तो देखिए छेना हमने निकाल लिया है। अब इस पर थोड़ा हम साफ पानी डालेंगे, क्योंकि हमने विनेगर डाला है ना इसमें, तो थोड़ा खट्टापन आ सकता है, इसलिए थोड़ा हम धुलेंगे साफ पानी से इसे। और इस तरह से दबा के इसे हम नचोड़ लेंगे, सारा पानी निकाल देंगे इस तरह से। और रख के ना बाहरी बर्तन इसके ऊपर रख देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा इसका निकल जाए छेने का। और 1 घंटा इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे हम। और तब तक यहाँ इसकी रबड़ी बना लेंगे हम। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ 1 लीटर हमने दूध ले लिया है और गैस को ऑन करेंगे और दूध को थोड़ा उबाल आने देंगे हम। तो दूध उबल गया है, तो इसे बीच बीच में ना चलाते जाएंगे हम। दूध हमें थोड़ा गाढ़ा करना है, ज़्यादा रबड़ी भी नहीं बनानी है, रसमलाई के लिए रबड़ी ज़्यादा नहीं बनाई जाती है। तो अब यहाँ हम डाल देंगे इसमें केसर के धागे और थोड़ा हम डालेंगे फूड कलर। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं है तो सिर्फ फूड कलर भी डाल सकते हो। अगर फूड कलर भी नहीं है तो थोड़ी सी 2 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर भी इसमें डाल सकते हो ना, तब भी कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा ही डाला है हमने फूड कलर इसमें और अच्छी तरह से चलाएंगे और इसमें और उबाल आने देंगे दूध में। तो देखिए उबलते उबलते दूध आधा रह गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे मीठा। तो यहाँ हमने ले ली है चीनी, इसमें 2 बड़ी चम्मच हम चीनी डालेंगे। मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हो। थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डालेंगे, इसमें ना खुशबू बहुत अच्छी आएगी इलायची पाउडर की। अब हम गैस को बंद कर देंगे, बस इतना ही गाढ़ा दूध चाहिए, इससे ज़्यादा दूध हमें गाढ़ा नहीं चाहिए। और देखिए छेना को भी ना 1 घंटा हो गया है। अब इस तरह से छेना को हम थोड़ा तोड़ लेंगे। इसी तरह से मैश करेंगे इसे हम। अगर फ्रेंड्स थोड़ी सी भी मेहनत हमारी पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अब यहाँ हम ले लेंगे अरारोट, 2 बड़ी चम्मच अरारोट इसमें हम डालेंगे। अरारोट नहीं है तो अरारोट की जगह आप मैदा भी इसमें 2 बड़ी चम्मच डाल सकते हो। अब अच्छी तरह से मिला के और हथेली की मदद से इस तरह से इसे हम मैश करेंगे। 5 मिनट इस तरह से मैश करेंगे हम। इसमें ना बिल्कुल गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा ड्राई लगे तो 1 हथेली में थोड़ा सा पानी ले लें, इस तरह से थोड़ा छींटा मारें, ज़्यादा नहीं। अगर मॉइस्चर नहीं है तो, अगर मॉइस्चर है तो पानी बिल्कुल ना डालें। तो देखिए बिल्कुल मक्खन जैसा ये छेना हो गया है। ये 5 मिनट अच्छे से हमने मसला और इस तरह से, अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसकी ना हम चाशनी बनाएंगे। इस तरह का ही चिकना छेना चाहिए हमें रसमलाई बनाने के लिए। तो यहाँ पैन ले लेंगे, पैन में हमें डालना है पानी
चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 गिलास पानी और 1 कप चीनी ले लेंगे हम। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी में गाढ़ी नहीं बनानी है, नहीं तो तार वाली बनानी है। इतनी बनाएंगे सिर्फ, अच्छे से इसमें चीनी मेल्ट हो जाए। जब तक हमारी चाशनी बनेगी तब तक हम इसकी रसमलाई बना लेंगे। इस तरह की छोटी हम बॉल्स बनाएंगे, छोटी बड़ी अपने हिसाब से बॉल्स बना सकते हो इसकी। और इस तरह से हथेली की मदद से इसे हम दबाएंगे और बिल्कुल गोल करनी है इनकी, ना जो किनारी है बिल्कुल नहीं फटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसे हम रख देंगे और इसी तरह से ना सारी हमें रसमलाई बना लेनी है। तो देखिए रसमलाई तो हमने बना ली है, अब चाशनी भी बनके हमारी तैयार है। इस तरह की ही हमें चाशनी चाहिए। अब इसमें हल्के हाथों से हमें रसमलाई को डालना है। डालते समय एक बात का ध्यान रखें, गैस को हाई पे ही रखना है, उसके बाद ही डालें, गैस को मीडियम नहीं करें। ज़्यादा उबलती हुई चाशनी हमें चाहिए और इस तरह से थोड़ा इनके ऊपर हम चाशनी डालेंगे और 5 मिनट अच्छे से चाशनी में इन्हें हमें उबालना है। गैस को हाई रखेंगे हम। चलिए भाई रसमलाई तो हमारी बन चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो हमने दूध की रबड़ी बनाई थी ना उसमें रसमलाई को हमें डालना है। हल्के हाथों से हम डालेंगे, सारी रसमलाई हमें डाल देनी है इसमें। सारी रसमलाई डालने के बाद ना इसे 15-20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। रसमलाई ना ठंडी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडी भी हो चुकी है। रसमलाई लग रही है ना बिल्कुल मार्केट के जैसी, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है ये रसमलाई। जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं ना बिल्कुल वैसी ही, वो ही टेस्ट है इनका। तो आपको ना थोड़ा सा इन्हें तोड़ के दिखा दें, अगर कोई मेहमान आए उसके साथ ये सर्व करोगे तो वो नहीं पहचान पाएगा ये आपने घर में बनाई है, इतनी टेस्टी बनती हैं ये। तो थोड़ा तोड़ के दिखा दें, देखिए कितनी स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनी है ये अंदर से। आप भी अपने घर पे इस तरह से बना सकते हो, और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, वो भी फ्री में। तो अब हम मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।